प्रिय मित्रों, आज मैं आपको अल्मोड़ा की एक ट्रिप और उसके कुछ एक दो महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है। सामान्य तौर पर आप सभी लोग अक्सर पहाड़ों में तो जाते ही रहते हैं, तो वहाँ की सब चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन एक दो चीज़ों के ऊपर जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको आज यहाँ पे स्पेसिफिकली चर्चा कर रहा हूँ। ये ऑन द वे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्लीजेंट और कूल मौसम है, और यहाँ पर अल्मोड़ा के आसपास, अल्मोड़ा शहर में और नैनीताल में तो बहुत भीड़ रहती है सामान्यतया, तो उतना अच्छा नहीं रहता है। अच्छा ये होता है कि आप अल्मोड़ा से थोड़ा आगे निकलें और जो पुराना कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है, जिसके रास्ते में बेसिकली एक जागेश्वर मंदिरों का समूह आता है, जो बहुत पुराने मंदिर हैं, वहाँ से, और वो जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो बहुत ही प्लीजेंट, कूल और आराम से एक दो दिन रुकने वाला रास्ता है। अप्रोच रोड ठीक हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, आराम से आप अप्रोच कर सकते हैं, और यदि अल्मोड़ा में रुकना चाहें तो अल्मोड़ा में भी रुक सकते हैं, और उससे आगे भी रुकने के लिए पर्याप्त अच्छी अच्छी जगहें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कूल सा एनवायरनमेंट है, कुछ फोग जैसी सिचुएशन देखी जा सकती है यहाँ पे, और जो कि पहाड़ों में एक कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं है। पर्टिकुलरली जो ऑटम और स्प्रिंग के सीज़न हैं, उसमें भी ये सामान्यतया देखने को मिल जाता है, जबकि विंटर सीज़न में तो अक्सर करके यहाँ पे बहुत ही कूल और क्लियर एनवायरनमेंट रहता है। कंपैरिजन टू जब आप मैदानों में देखते हैं, तो वहाँ पे जो ठंड के मौसम होते हैं, वहाँ पे इसी तरीके की फॉग बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी आप जाएं, तो आप मेन शहरों से हटकर थोड़ा आगे जाएं, क्योंकि मेन शहरों में भीड़ भाड़ और पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो गया है, और बेसिकली उतना हाइजीन भी मेंटेन नहीं रह पाता है। अब जैसे देखिए, ये प्रॉपर, ये एक अल्मोड़ा शहर है, अल्मोड़ा शहर का ये आउटस्कर्ट है, मेन जो शहर है वो यहाँ से राइट हैंड साइड पे पड़ता है, और ये आउटस्कर्ट है, और ये बेसिकली जो जागेश्वर की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पे ये बेसिकली जो है वहाँ पे ये एरिया है। और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का मौसम है, और सुबह के मौसम में बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है, बहुत ही सुंदर, चारों तरफ यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद फोग की एक चादर सी धुएं के जैसी दिखती है, और ये बहुत ही मन को शांति देती है। शांति से रहने के लिए और मेट्रो सिटी से दूर रहने के लिए बीच बीच में यहाँ पे आना बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और यहाँ का जो पोल्यूशन फ्री जो एनवायरनमेंट है, वो निश्चित रूप से हमको एक नई तरोताजगी देता है। तो एक दो दिन रुकने के लिए ये एक अच्छा स्थान है। जैसा कि मैंने कहा कि सामान्यतया हमको प्रयास करना चाहिए कि आउटस्कर्ट्स पे ही रुकें। अब ये रास्ते में ऑन द वे एक केबल स्टेड एक ब्रिज है, एक छोटा ब्रिज है, जो मेन रोड से, यानी कि जो अल्मोड़ा से नैनीताल के बीच में जो जगह है, वहाँ पे एक रास्ते में पड़ता है, मैं उस जगह का नाम नहीं स्मरण कर पाता हूँ। मैं अक्सर जब भी जाता हूँ तो यहाँ पे रुकता था, और बहुत पहले से यहाँ पे जाता रहा हूँ, लेकिन अभी इस जगह को देख करके मन में थोड़ा सा ये ग्लानि हुआ कि बेसिकली ये जो पानी है इसका, ये बहुत ही पोल्यूटेड हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे शहरों का जो बेसिकली सीवेज है, वो इसमें मिक्स होता है, और ये पानी कभी क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था, और आज ये पानी, अब आप देख सकते हैं कि मोटे मोटे केबल यहाँ पे स्पेसिफिकली देखे जा सकते हैं। छोटा ब्रिज है ये, इस पे ज़्यादातर टू व्हीलर्स या उधर दूसरी तरफ गांव में जाने के लिए लोग इसका यूज़ करते हैं, और पहाड़ों में इस प्रकार के बहुत सारे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, छोटे छोटे नहर, नदी और नालों को क्रॉस करने के लिए ये इस प्रकार से ये ब्रिज बनाए जाते हैं।
शान मैंने ड्राइवर साहब हमारे और क्या बात है, फोटो गैलरी आ रही है स्टाइलिश आपके घर से, आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही। यहाँ पे मैं अक्सर पहले नीचे जाता था, लेकिन इस पुल पे खड़े होकर के आपको एक विजिबल स्मेल आती है जो इस पानी में से आ रही है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे हमने अपने नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं कैसे हम उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये एक रास्ता ऊपर की तरफ गांव में जाता हुआ, यहाँ पे ये केबल दूसरी तरफ फिक्स किए हुए हैं। दो ये हाउस होते थे ऐसे जिसमें के अंदर इन केबल को फिक्स किया जाता है अंदर की तरफ दोनों साइड में, और बीच में ये केबल इस पे स्टेट रहता है। मोटे मोटे केबल होते हैं ये। ऐसे केबल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये जो बेसिकली मैं कह रहा था कि यहाँ पे एक विजिबली जो है इस पानी को, जो देखने में तो अभी भी साफ ही लगता है, लेकिन स्मेल है। स्मेल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सम पीपल आर कमिंग एंड दे जस्ट कैरिंग द केबल फॉर सम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अक्रॉस दिस स्मॉल रिवुलेट। तो यहाँ पे खड़े होकर एक विजिबल स्मेल जो है वो आती है, बहुत गंदी स्मेल है, पानी को पॉल्यूटेड किया जा रहा है। इन सब चीज़ों की तरफ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत में जितना नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको प्रिजर्व करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पानी और एयर और हमारा फूड, यही तीन चीज़ें हैं जो हमको जीवन देती हैं, हमारे हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं।